लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रत्याशियों के अलग अलग अंदाज भी नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान दिखाई दे रहे हैं। कहीं प्रत्याशी समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े लेकर पहुंच रहे हैं तो कोई अकेले ही नामांकन फॉर्म भरने पहुंच रहा है। राजनांदगांव सीट की अगर बात करें तो यहां से एक अलग तस्वीर सामने आई। एक निर्दलीय प्रत्याशी नींबू मिर्च की माला पहनकर, देख सकते हैं आप, नामांकन दाखिल करने पहुंच गया। प्रत्याशी का यह अंदाज लोगों के बीच अब चर्चाओं का विषय है। निर्दलीय प्रत्याशी ये हैं अजय पाली, जिन्होंने दावा किया कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल और बीजेपी के कैंडिडेट संतोष पांडे को कड़ी टक्कर देकर वो जीत हासिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने गले में नींबू और मिर्च की माला पहनने की एक वजह भी बताई है। वो वजह क्या है, सुन लीजिए। करते हैं तो नींबू मिर्ची का माला जैसे दुकान में डालते हैं, उस तरह की आज नामांकन दाखिल करने आया हूं तो नींबू मिर्ची का माला पहना हूं, ताकि किसी का नजर या टोटका मत लगे। तो उनके लिए मैं बहुत चुनौती हूं। अच्छा, मेरे कारण दोनों पार्टी को हार का मुंह का मुंह उनका मुख का खाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मैं क्या अपना छवि बना लिया हूँ, क्योंकि पूरा आठों विधानसभा में मेरा चर्चा चल रहा है जयपाली समोसा वाले करके।